स्वास्थ्य विभाग में बड़ा तबादला देखने को मिला है, जहां इसका असर दरभंगा डीएमसीएच पर भी पड़ा है। दरभंगा डीएमसीएच के सहायकों का भी तबादला किया गया है और कई वर्षों से जो पद खाली था उसे भी भरा गया। जहां दरभंगा डीएमसीएच में वर्षों से द्वितीय उपाधीक्षक का पद खाली था, जिस पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव को लाया गया है, वही हड्डी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर बहाल किए गए हैं। स्त्री विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर की पद खाली थी, उन्हें भी भरा गया है और शिशु विभाग में सहायक प्रोफेसर का जो तबादला हुआ है वह भी भरा गया, जिससे पीजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों के लिए फायदा होगा। साथ ही डीएमसीएच में जो मरीज आते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो दरभंगा डीएमसीएच में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भारी बदलाव किया गया है, यह जानकारी डीएमसीएच के उपाधीक्षक हरेंद्र कुमार ने दिया है। ट्रांसफर भी किया गया है, उसको पदस्थापित भी किया गया है। तो मेन खास बात यह है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में वर्षों से जो है कि सेकेंड उपाधीक्षक का पद खाली था। यहाँ उपाधीक्षक का दो पद है, तो सेकंड पद जो खाली था उस पर नया उपाधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव को पदस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा जो है कि हड्डी रोग विभाग में जो है कि एसोसिएट प्रोफेसर में पदस्थापन की गई है, जो कि नितांत यहाँ आवश्यक था पीजी पढ़ाई को लेकर। और उसके अलावा स्त्री रोग विभाग में भी जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पदस्थापन किया गया है। इसके अलावा आपको सीनियर रेजिडेंट बच्चा पेडियाट्रिक्स वार्ड में भी किया गया है। और जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ है कि हमारे सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय से करीब चार जबकि सहायकों का यहाँ से तबादला कर दिया गया है, और उनके जगह पर कुछ सहायक की यहाँ पर पदस्थापन भी की गई है। अभी पूरी तस्वीर स्पष्ट। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन दो यहाँ पर पदस्थापित किए हैं, प्रयोगशाला प्रवैधिक जो है लैब टेक्नीशियन यहाँ पर पदस्थापित किए गए हैं। और अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, इसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारा स्वास्थ्य विभाग में तबादला हुआ है, जो कि जून में होता है, ये स्वाभाविक तबादला होता है। तो इसका जो है कि हम लोग विश्लेषण करने के बाद में ही डिटेल बारे में बता पाए।